तो अखिलेश ने बोला, भावुक अखिलेश ने भाषण दिया और उसके बाद इस पर शिवपाल यादव इस वक्त बैठक में संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, वहां का ऑडियो सुनवाते हैं। कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार फाइटिंग चलाई थी टोलियों को लेकर के, 50-50, 100-100 की टोलियां लेकर 77 में भी चलाई, 77 के बाद 80 में भी चलाई, 80 में चुनाव हुआ था, 81 में उसमें भी साइकिल चलाई थी। कहां साइकिल की बात चल जाती है, मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी, केवल पूरे जसवंत नगर, जसवंत सुखदेव भी यहां बैठे होंगे, जसवंत नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था, दो क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखना के लोगों को पता है, जसवंत नगर के लोगों को पता है, ऐसे कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी संघर्ष है समाजवादी पार्टी बनाने में। और आज जब बात होना चाहिए था, बात होना चाहिए चुनाव जीतने की, जनता को पता है ये बखान जो हो रहा है, जनता को पता है क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं, मुख्यमंत्री के साथ क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ, बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी, क्या मेरा योगदान नहीं है। मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने का एयरपोर्ट पर जाकर के स्वागत किया था, और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं, मेरा क्या दोस्त था, और मैंने किस मंत्री से कम काम किया था, क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कम काम किया था, क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कम काम थे, हम जानते हैं मुख्यमंत्री, हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे विभाग पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी, और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है, हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, MLA भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी, इन मंत्रियों के MLA की क्या अधिकारियों ने सुनी, और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला, मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था, कौन सा आदेश नहीं माना था, मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे विधायक थे उनके काम करने का काम किया था, बताएं विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है, कार्रवाई किसके साथ, कार्रवाई किसके साथ, मैंने तो कहा था अगर मैंने बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री हमारे मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था, मैंने कैसा काम क्यों किया, हमसे क्या झगड़ा था, मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और
मिलता। मैं नेताजी आपको आपसे के सामने कहना चाहता हूँ, मैं जब मिलने गया था अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं किरण भाई नंदा जी बैठे हैं। अब सुन लो ना, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहे कसम खाए, मैं कसम खाता हूँ, मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता सकता हूँ, एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूँ। मुझसे कहा था। और नेताजी आप लग रहे थे गरीबों की लड़ाई लड़ किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ। और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी याद करो किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने सुरंग सरकार बनाने में सहयोग किया था और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूँ नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। बताओ जिसके एक साइकिल नहीं थी, चार चार फॉर्चूनर गाड़ियां कहां से आ गई। और मैं नेताजी आप समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, किसानों से काम करेगा, गरीबों से काम करेगा। ये दलाली नहीं चलेगी। नाम लेते हो
ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यदि लोहिया भवन में क्या हुआ, किसने विरोध किया था उसका, जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो गया था, वो गठबंधन नहीं हो रहा था, मोर्चा नहीं बन रहा था, वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे, मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया, समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था। कितना बड़ा सा तो हो गया था आपका, आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरणमय नंदा है, बताइए किरणमय नंदा, आज विकल्प बन गए थे, इन सांप्रदायिक शक्तियों के विकल्प बन गए थे। आज सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। किसने नेताजी का तत्व पीछे किया है, किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं नेताजी बताएंगे, अरे नेताजी बताएंगे। अमर सिंह के नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ नेताजी, जो मुझ पे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ, हम कोई हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं, कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी, तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है, तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार। निष्ठान करोगे, हम जानते हैं नेताजी, ये निष्ठान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे, बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन सोने वाले थे नेताजी? अजीत सिंह, अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था, और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूँ, इसी राजसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राजसभा में मत यहाँ जाता और आपका एमएलसी भी हट जाता। मैंने कितने जान बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी भी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे हुए हैं, एक एक एमएलए बैठा है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था, मैं ले गया था, और किस तरीके मैं जानता हूँ मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं, अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं। हम लोग बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ लड़के आए थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, और उन्होंने 4 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धरना प्रदर्शन से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तुम ही लड़े थे क्या? हाँ हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहां तक दुनिया में बताना चाहता
मौके देना, जितने भी लोहियावादी हैं और जितने भी क्रांतिवादी हैं, जितने भी गांधीवादी हैं, उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में और आपको नेतृत्व संभालने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेता आपको संभालने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं इन कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। आप जब निकलेंगे तो कौन आएगा इस उत्तर प्रदेश? बेईमानी, भ्रष्टाचार, लुटेरा, कब्जा करने वालों कितनी उपेक्षा। मैं नेताजी बताना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, इलाहाबाद जनता ने हमारे दशमलव क्षेत्र में हमारे कहने से एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि एक भी सदस्य क्षेत्रीय कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था कि देश की बात तो दूर रही। मैं तब भी लगा रहा, मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री थे जिन्हें 4 सालों में कमजोरा किया है, पता चल रहा ना, रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कमजोरा किया है? मैं तो एक एक जिले में 4-4 बार गया, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूँ। कितने लोग गए हैं? हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ तुम्हारे बाप का था, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है सामूहिक जिम्मेदारी होती है, पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा, अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो पक्के समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भागने के साथ आना, और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है, और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।